कृष्ण तदीय पाद पंकजो पंजरान्ते अद्वैव मन मे विशतु मनसराज हंस प्राण प्रयान समये कफवाद पीत्वये कंठावरोधनम विदौ भजनम कुतोस्ते भजनम कुतोस्ते। श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताएं, ये दो दिन का जिंदगी है, हम लोग ये जगत में नहीं रहेंगे, दो दिन का जिंदगी है। ये दो दिन का जिंदगी लेकर ये चिंता करना जरूरी है कि शरीर छूट जाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमारा नित्य जीवन क्या होगा, इस विषय में विशेष करके चिंता करना जरूरी है। अगर ये प्रश्न हृदय में नहीं आया तो कभी भी ये भजन नहीं करेगा। जो व्यक्ति का हृदय में ये प्रश्न नहीं आए वो कभी भी भजन नहीं करेगा, संभव नहीं है। काल एक बात उठाया था जे इस जगत में सबसे आश्चर्य चीज़ क्या है, सबसे आश्चर्य चीज़ क्या है, सबसे आश्चर्य ये युधिष्ठिर महाराज जी को जब जंगल में गए थे वनवास में, उस समय काम वन में धर्म कुंड बोल के कुंड है, वहाँ ये घटना हुआ था। एक बगुला धर्मराज ऐसा बन के आए थे और बहुत सारे कहानी हैं, पानी के संधान भेजा था पहले छोटे भाई को, उसके बाद नकुल सहदेव सारे अब आया नहीं, अर्जुन गया, भीमसेन गया, कोई वापस आया नहीं। अंतिम में युधिष्ठिर महाराज से क्या बात हुआ, आया क्यों नहीं, पानी का खोज में गया, अंतिम में खोद गए, खोजते खोजते देखा एक पानी का तालाब है, उस तालाब में चारों भाई पड़ा हुआ है, क्या हुआ कौन जाने, अचेतन पड़ा हुआ है, मर गया कि नहीं। वहाँ जाके जब पानी का छिटका देने के लिए गया भाइयों को, क्या हुआ चारों ऐसा अवस्था, जो त्रिभुवन को जय कर सकता है इतना पावर है, वो लोग कैसे इधर पड़ा हुआ है, शायद कुछ हुआ होगा। पानी जब स्पर्श करके पानी का छिटका देने के लिए गया तो किसी ने बोला, ए पानी मत छो, देखा एक बगुला बात करता है, बोले ये हमारा तालाब है इसमें पानी मत लो, बोले महाराज हम पिएंगे थोड़ा और थोड़ा ऐसा है, बोले नहीं हमारा कुछ प्रश्न है, ये प्रश्नों का जवाब दो उसके बाद पानी व्यवहार कर सकते हो, पियो जो कुछ भी करो। तो इन प्रश्नों में बड़ा भारी सुंदर प्रसंग आता है, हमारा तो समय कम है इसलिए हमें सब नहीं उठाएंगे, एक प्रश्न उठाएं, चार एक प्रश्न का उत्तर भी दें। बोले जगत में सुखी कौन है, ये जगत में सबसे आश्चर्य कौन है, ऐसा करके चार प्रश्न पूछा। उसमें सर्व आश्चर्य कौन है, कौन चीज है, सबसे आश्चर्य क्या है, सबसे आश्चर्य क्या है, इसका प्रश्न किया, ये बात का प्रश्न किया। तब युधिष्ठिर महाराज ने बताए, जो अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हो जमालयम शेषाम स्थावरम इच्छामि किम आश्चर्य मत परम। बोले दिन भर सब जमालय में जा रहा है, हरि बोल हरी, हरि बोल राम नाम सत्य है, वो सब देख रहा है, इसका पिताजी चला गया, इसका भाई चला गया, इसका माँ चला गया, इसका पिता चला गया,
फिर भी उसका हृदय में ये बोध नहीं आ रहा है, यह हमको भी जाना है, हमको भी आज नहीं तो कल जाना है महाराज। इधर कुछ चीज़ भोग करने के लिए नहीं है, ये जगत में मेरा जो जन्म हुआ है एक ही मजा करने के लिए नहीं, ये बोध हो नहीं रहा है। युधिष्ठिर महाराज इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है, सामने देख रहे हैं, उसके बाद भी वो अपना जो मौत सामने खड़ा है इस बारे में कोई चिंता नहीं। अहन्नानि भूतानि गच्छन्ति हो जमालयम् शेषां सबरमिच्छां किमश्चर्यम् ते परम। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हो जमालयम्, और जो रह जाता है उसका बोध नहीं कि हम चले जाए, कब चले जाए ठिकाना नहीं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य। ऐसा बहुत सारे प्रश्न किए, चार प्रश्न मूल है, उसमें हम दो प्रश्न को उठाए। इसलिए तत्व ज्ञान जब तक हमारा वास्तव मंगल कैसे हुए ऐसा अनुसंधान ना आए, तब तक मठ में रहो कि कहीं भी रहो, कोई व्यवस्था हो नहीं पाएगा, कोई सुविधा नहीं होगा, कुछ भी करो। देखो देवता लोग जो है काल अलग अलग वर्ष में वो सब जो अलग अलग देवता लोग है, किसी वर्ष में शंकर भगवान अनंत देव को आराधना कर रहा है, किसी वर्ष में किंग पुरुष वर्ष में एक आचार्य बना दिया ठाकुर जी, फिर इधर जो है रामचंद्र का आराधना कर रहा है किसी वर्ष में, ऐसा कर से जो जो अलग अलग वर्ष है ये बरस में अलग अलग देवता का अर्चन और इनके आचार्यों के द्वारा इनके अर्चन सब हो रहा है। ये सब विषय में आपको थोड़ा जानकारी मिला। किंग पुरुष वर्ष में रामचंद्र का आराधना हो रहा है, हनुमान जी कर रहे हैं हनुमान जी, ऐसा करके आप सुने सारे वर्षों का विभाग। और यहाँ देवता लोग अंतिम में बहुत अफसोस के साथ कह रहे हैं ठाकुर जी का साथ प्रार्थना करे, हे ठाकुर जी अगर ये देव जोनी में हमारा कुछ पुण्य हुआ होगा कि मंगल है तो जरूर हमको ये भारत भूमि में जन्म देना और मनुष्य जन्म देना। और मनुष्य जन्म इसलिए काल भी बताया था इस विषय में क्यों देव जोनी में बहुत सारे सुविधाएं रहते हैं, बहुत सारे सुख सुविधा, बहुत सारे जोग सिद्धि आदि। इससे देव जोनी में देखा जाए तो एकदम पक्का भजन किसी का ही नहीं होता, एक शंकर भगवान है, शंकर भगवान का भजन होता है, वो तो देव लोगों में गुरु है, इसका भजन पक्का होता है, बाकी सब करता है लेकिन उतना नहीं। और सब जो भी है इसमें देवता लोग का दो एक वाणी, वो जो गाना है देवता लोग जो प्रार्थना है भगवान का पास, ये बड़ा सुनने का लायक है। अहो वत स्वम किम कारि शोभनम प्रसन्न ये शम सिदु तो स्वयं हरि जैर्जन्म लब्धम नृषुभरता जिरे मुकुंद से बहुपुईकम स्पृहाहीन अहो वतई स्वाम किम कारि शोभनम प्रसन्न ये शाम सिदु तो स्वयं हरि जैर्जन्म लब्धम नृषुभरता जिरे मुकुंद से बहुपुईकम स्पृहाहीन अहो वतई स्वाम किम कारि शोभनम प्रसन्न ये शाम सिद्ध तो स्वयं हरि। देखो कितना प्रसन्न है लोगों का ऊपर ठाकुर जी जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ। जैर जन्म लब्धम नृषु भरता जिरे, क्योंकि इधर मुकुंद सेवा भगवान जो चिन्मय वस्तु परात्पर अखिलेश्वर मुकुंद सेवा का अवसर मिलता है इधर,
मुकुंद सेवो पुईकम स्पृहाहीना, क्योंकि मुकुंद सेवा जब भी कृष्ण सेवने नहीं जातकुलादि विचार, जे ही भजे से ही वरो अभक्त हिंसार। ये बात ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन भजे तब तो, क्योंकि कृष्ण भजन जो है चिन्मय अवस्था में होता है। मुक्त कोलई रूपासमानम, रूप गोस्वामी पाद बताए। अब ये दोनों का जो विषय है वो इसमें कन्फ्लिक्शन, एक बात बताया जे जो कुछ भी हो कृष्ण भजन जात कुल आदि विचार नहीं है, फिर दूसरे तरफ बोला कि मुक्त कोली रूप समान, ये दोनों का समाधान कैसे हो? एक है कि मुक्त कुल छोड़कर किसी का हिम्मत नहीं कृष्ण का भजन करे, यहाँ तक कि विधि मार्ग में भी कृष्ण का भजन नहीं होता। विधि मार्ग में इतना परफेक्ट, शरीर ठीक हुआ, मन ठीक हुआ, सब ठीक हुआ, परफेक्ट एकदम सब कुछ ठीक है, विधि मार्ग में एकदम शुद्ध अवस्था, फिर भी कृष्ण भजन नहीं हो पा रहा। कृष्ण भजन नहीं होगा, नारायण तक होगा, द्वारकाधीश हो सके मैक्सिमम, कृष्ण भजन होना संभव नहीं। कृष्ण भजन में अपना जो प्रेम है, प्रीति है, स्वाभाविक अनुराग है, ये विशेष जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का वो जो चैतन्य चरितामृत में है, जो स्नेह सेवा मात्र अपेक्षा, कृष्ण भजन में स्नेह सेवा मात्र अपेक्षा और कुछ नहीं चाहिए, कोई उपकरण विशेष नहीं चाहिए, स्नेह सेवा, कितना प्यार करता है, ये बात सबसे बड़ा है। जब राजा प्रताप रुद्र जी इतना बड़ा भक्त है, श्रीमान महाप्रभु का साथ मिलना चाह, लेकिन प्रभु जी ने सामाजिक जो विधि है, वेदों का जो विधि है, ये वेदों का जो विधि है, इसको उल्लंघन नहीं करना चाह रखा। बोले शास्त्रों में नियम नहीं है कि सन्यासी राजा का दर्शन करने जाए, ये तो उचित नहीं, राजा का दर्शन दे मुश्किल, ऐसा तो बहुत विचार है इसमें। महाप्रभु नैसी शिरोमणि सन्यास है, इसलिए आचरण दिखाए। लेकिन भक्तों लोग बोले देखो इतना बड़ा भक्त है और बाद में ये सिद्धांत तो किया स्वरूप दामोदर ना दामोदर पंडित, जो भगवान तो स्नेहवश है, आप राजा इतना आपको प्यार करता है, आप दर्शन तो आप आज नहीं तो कल दोगे, जरूर दोगे। स्नेह सेवा मात्र अपेक्षा, कृष्ण सेवन ही स्नेह सेवा मात्र अपेक्षा, कृष्ण सेवन करने जाओ तो जितना सारे बाहरी विधि निषेध जो इतना दिन तक पालन करके आए हो, वो विधि निषेध बाद में विशेष इफेक्टिव भूमिका में नहीं रहता है, लेकिन पहले ही विधि निषेध तोड़ फोड़ के हम विधि निषेध को तोड़ फोड़ के आप बोलोगे हम कृष्ण भजन करेंगे, तो आप सहजिया बन के पतित हो जाओगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर बताए, जो भक्ति विनोद ठाकुर जो भजन रहस्य में बताए हैं, विधि मार्ग रत जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे कराए प्रवेश। विधि मार्ग छोड़ के तुम बोलोगे इस विषय में हम चर्चा करेंगे शाम सायंकालीन अधिवेशन में, जो विधि मार्गों को जो हमारा बड़े बड़े आचार्य जो है वो लोग भी विधि मार्गों को सामने रखा है, इस विषय में सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा करेंगे। जो भी है स्वरूप गोसाई जी को पूरा गौड़ीय समाज का गौड़ीय संप्रदाय का आचार्य बना दिया, ये सिद्धांत है। और स्वरूप गोसाई का विचार को ऊपर जो सिद्धांत तो प्रतिष्ठित है वो विचार ही माना जाएगा, बाकी विचार सिद्धांत तो गौड़ीय समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, ग्रहण नहीं किया जाएगा। गुंडीचा मंदिर मानजन का बारे में दो एक बात बताया था पहले, और फिर हम फिर ये चर्चा करेंगे जो जो चर्चा उठाया था
मुक्त कुल समान हो। फिर पहले ही बात को क्लियर कर दे, गुंडीचा मंदिर मानजन जो हो रहा है उसमें सारे पानी दे रहा, झाड़ू लगाया पानी दिया। अब पानी देने का समय में क्या हुआ, किसी एक गौड़िया भक्त ने सरल ब्राह्मण सरल बुद्धि है आके सीधा पानी क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के चरण में डाल दिया। अब डाल के थोड़ा पानी लेके पी लिया। और चैतन्य महाप्रभु अभी तो साक्षात भगवान ही है लेकिन लीला कर रहे कि भक्तों का लीला कर रहे सन्यास का। तो स्वरूप गोसा को बुला कर लाए, स्वरूप गोसा को बोलो देखो तुम्हारा जो गौड़िया है, गौड़िया का ये व्यवहार देखो, तुम्हार गौड़िया करे ऐतिक फोई जाती, तुम्हार गौड़िया गौड़िया जो है तुम्हारा है सब इस जगह। ये छोटा बात, इतना सारे आदमी थे, सर्वम भट्टाचार्य जो थे, बड़े बड़े सब भक्त थे, सब भक्त थे, नित्यानंद से लेकर अद्वैत गोसाई कौन नहीं थे, सारे उधर उपस्थित थे। लेकिन महाप्रभु सिर्फ स्वरूप गोसाई को पकड़ के लाए, स्वरूप गोसाई लाके देखो तुम्हारा गौड़िया क्या किया, देखो ये मंदिर में मेरा मंदिर ये मंदिर का अंदर मेरा चरण में पानी दिया और पानी पी लिया, बोलो हम कहाँ जाए, इतना अपराध हमारा हो गया। तो स्वरूप गोसाई क्या किया, उसका घाड़ पे हाथ देके बाहर जाके रख क्या है, जा बाहर जा। फिर बाद में वो रोया, हमको क्षमा करो, हमको क्षमा करो, हमको क्षमा करो, ऐसा बोल के क्षमा मांगा। महाप्रभु अंतिम में उसको क्षमा किया। तो ये जो विषय है इसमें स्वरूप गोसाई को पूरा गौड़ीय संप्रदाय का आचार्य बना दिया। इतना सारे कोई भी सिद्धांत तो कोई लाए, कोई नाटक लाए, कोई कविता लाए, पहले स्वरूप गोसाई उसको परीक्षा करे और सिद्धांत तो कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है, तब महाप्रभु को दिया जाएगा, नॉट बिफोर दैट, उसका पहले महाप्रभु देखेंगे नहीं। ये सब विचार के द्वारा ये सिद्धांत तो आता है, तुम गौड़िया मठ में रहना चाहते हो कि तुमको पूरा स्वरूप गोसाई का विचार तुमको ग्रहण करना है, नहीं तो तुम्हारा रहना नहीं रहना समान बराबर कुछ नहीं होगा। अभी बात पैदा होता है कि कृष्ण भजने नहीं जात कुल आदि विचार, और इधर बताया गया मुक्त कुल उपसमानम, ये दोनों में क्या समाधान है। ये विषय है कि मुक्त कुल का उपास्य देवता है ठाकुर जी का नाम, मुक्त कुल मतलब जो जड़ विषय से मुक्त हो गया, ये तो साधारण है, जड़ विषय से मुक्त हुआ, जड़ विषय से मुक्त होने का बाद भी कृष्ण भजन परफेक्ट होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, किंतु जड़ विषय मुक्ति, मुक्ति का प्रारंभिक अर्थ है जड़ो मुक्ति, अर्थात जड़ो माया से मुक्ति। उसके बाद चिन्मय गुरु वैष्णव का अनुगत्व में अगर भजन हो जाए, उसके बाद चिन्मय भाव हृदय में आ जाए, चिन्मय भाव, तब कृष्ण भजन हो सकता, चिन्मय सेवा भाव, चिन्मय भाव ब्रजवासी का भाव, चिन्मय भाव भी नहीं, चिन्मय ब्रजवासी का भाव जब हो तब हमारा ये नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का आराधना हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। कृष्णेर स्वाभाविक प्रति ब्रजवासी पति, ब्रजवासी स्वाभाविक पति कृष्ण पति, स्वाभाविक जैसे एक माँ बच्चा का उदय स्वाभाविक प्रति है, उसमें कोई बनावटी नहीं है, ये अंतर से कौन अंतर से आया, ये प्रति जो है अंतर से स्वाभाविक, जैसे ब्रजवासियों का प्रति कृष्ण के ऊपर वो स्वाभाविक है, ये नाटक नहीं है, और ब्रजवासी का ऊपर भी कृष्ण का प्रति स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस अंग्रेजी में बोलता है, स्वाभाविक निरवच्छिन्न प्रीति, ऐसा प्रीति को उसमें विधि मार्ग टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, ऐसा प्रीति है, विधि को छोड़ो टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, बस हम कृष्ण को प्रीति करें। जैसे एक उदाहरण, नीलाचल धाम में जब जितना सारे गौड़ीय भक्त लोग आए हुए हैं,
राजा प्रताप रुद्र छात का ऊपर खड़ा होकर देख रहा है। राजा प्रताप रुद्र कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से, गोपीनाथ ये सब भक्तों लोग जो आए हैं माँ सीधा जगन्नाथ दर्शन किए बिना महाप्रभु का गंभीरा मंदिर का उधर क्यों जा रहे हैं काशी मिश्र भवन। भले ये लोगों का प्रीति ऐसा है कि ये लोग चैतन्य महाप्रभु को देखे बिना जी नहीं सकेगा। जैसे मछली को पानी का बाहर दे दो तो मर जाएगा। जगन्नाथ मंदिर सामने है, जगन्नाथ मंदिर का मुख्य, जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है सिंह द्वार, उसको डायना में करके सीधा गंभीरा में चला गया या काशी मिश्र भवन। क्यों? वहां महाप्रभु है, प्राणों से भी प्राण, प्राण से भी प्यारा महाप्रभु है, प्राण से भी प्यारा महाप्रभु। जब भी महाप्रभु जगन्नाथ देखी है फिर भी महाप्रभु का पास गया, यही तो विचार है। और राजा प्रताप जो कह रहे हैं कि ये बानीनाथ इतना सारे प्रसाद लेके जा रहा है, अभी प्रसाद लेके जा रहा है, महाप्रभु सबको आदेश किया जाओ समुंदर नहा के आओ और जगन्नाथ का वो जो चक्र सुदर्शन चक्र को देखो तुरंत प्रसाद पाओ। राजा बोले ऐसा कैसा है, वेदों में लिखा हुआ है कि क्षेत्रों में आओ तो मस्तक मुंडन करो, नहा लो, उसके बाद उपवास करो, ठाकुर जी को माला चढ़ाओ, परिक्रमा करो, ये विधान है। और महाप्रभु क्यों ऐसा बता, जाओ चक्र दर्शन करो ना के खा लो। तो उधर गोपीनाथ आचार्य और सारे सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे बोले तुम जो विचार कह रहे हो राजा ये सही बात है, वेदों में ऐसा ही है, शास्त्रों में ऐसा ही विचार है कि जब कोई क्षेत्र में आए उसमें उपवास करो, परिक्रमा लगाओ, विधि ने ये विधि मार्ग है। लेकिन जो जिन्होंने ये विधि को स्थापन किया, वेद आदि जो है किसने स्थापन किया, साक्षात भगवान कृष्ण ही तो, वेद आदि जो किसने किया तो कृष्ण भगवान ने स्वयं किया, वेद भगवान स्वयं किया, उसमें जो विधि है वो तो लिख दिया ठाकुर जी बोल दिया, लेकिन यहां साक्षात वही भगवान उपस्थित है, उपस्थित होके आदेश कर रहे जाओ ना के खा लो प्रसाद पा लो। अब वेदों में लिखा हुआ है तो वो तो लिखा हुआ है, आईदा वही भगवान साक्षात आदेश कर रहे जाओ ना के जगन्नाथ का चखा देख लो, खा लो प्रसाद पा लो। तो यहां बताया गया यहां प्रीति संबंध है, विधि मार्ग नहीं है, यहां क्या है राग मार्ग, तीव्र राग मार्ग, तीव्र राग मार्ग, तीव्र राग मार्ग। जब तीव्र तीव्र रागमार्ग आ जाए और गुरु वैष्णव को देखोगे ये जो है ये कोई देखोगे कृष्ण का निजी जन सोखी मंजूरी का ऐसा रूप देखोगे तब तुम्हारा आएगा बुद्धि है। तो ऐसा जो कृष्ण भजन है श्री प्रीति तीव्र प्रीति ब्रजवासी का जैसा प्रीति है ऐसा प्रीति चाहिए ब्रजवासी का अनुगत में, नहीं तो कृष्ण भजन नहीं होगा। और मुक्त कुल रूपासमान में तो बोला परम मुक्त, जिसका हृदय में कृष्ण छोड़कर कुछ नहीं है, परम मुक्त अवस्था भजन होते होते परम मुक्त पुरुष जो है वो भी अगर ब्रजवासी का अनुगत तो नहीं किया तो उसके लिए कृष्ण भजन नहीं होगा, नंदनंदन कृष्ण का भजन नहीं होगा परम मुक्त पुरुष। लेकिन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण को भजन करे कैसे करे, ब्रजवासी का अनुगत वो किया नहीं तो उसका कृष्ण भजन नहीं हो, नारायण भजन हो सकता है परम मुक्त पुरुष, ऐसा नियम है। और बात यह है कि कृष्ण भजन जातकुल आदि विचार तो है ही नहीं, वो ठीक है, लेकिन भजन करे तब तो, भजन करे तब ना। अहो बतो ये सब श्लोक बोला, सपचत अतो गरी सपच अतो गरियान जीव हाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम, सपोच भी श्रेष्ठ हो जाता है अगर हरिनाम ग्रहण करे, हरिनाम करते करते उसका ऐसा हो जाए भगवत का नाम ऐसा है जो भी है। तो हरिदास ठाकुर किस खानदान में पैदा हुआ लेकिन उसका तो हरिनाम हुआ,
वास्तव हरिनाम हुआ। तो इसलिए कृष्ण नाम कृष्ण भजन में यातकुलादि विचार है नहीं, लेकिन कृष्ण भजन करे तब तब होगा, नहीं तो होगा नहीं। और यहाँ जो है देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अहो बतई स्वाम किम कारि सोवनम प्रसन्न ये शाम सिदु तो स्वयं हरि जयर जन्म लब्धम निशु भरताजिरे मुकुंद सेवौ पोई कम स्विहाहिना। भारतवर्ष में मुकुंद सेवा का लायक शरीर अगर हम मिल जाए, देखो ये लोगों पर ठाकुर जी कितना संतुष्ट है जो ठाकुर जी इन लोगों को जन्म दिया। देवता गान गाते हैं, अनिर्वचनीय पुण्य, क्या पुण्य किया था ये लोग, भगवान हरि स्वयं ये लोगों का प्रसन्न हुआ क्योंकि भारतवर्ष में मुकुंद सेवन का लायक शरीर दे दिया। ये शरीर जो है जीवन यौवन जो है ये भोग करने के लिए लाई, एकांत रूप से कृष्ण भजन करने के लिए। हम लोग भी ठाकुर जी अगर कृपा करे तो भारतवर्ष में जन्म लेने का बड़ा इच्छा होता है, बड़ा स्प्रिहा होता है। और एक सिद्धांत तो ध्यान से सुन लो, भले देवता लोग बोल रहे अगर हम लोगों का कल्पायु हो जाए, कल्प एक कल्प तक आयु, तो हम लोग क्या करें? एक कल्प तक आयु हो जाए कि लेकिन भजन नहीं किए तो कल्प आयु देके क्या करें? इससे देवता लोग ने बताए कि देखो कल्पायुषम स्थानो स्थानोज्जयाद पुनर्भवात खनायुषम भारतो भूजयो वरह खनेन मर्तेन कृतम मनस्विन संज्ञास संज्ञान्ति अभयम पदम हरे हे। कल्पायु लेके क्या करे? अगर भारतभूमि में क्षण काल के लिए वो थोड़ी सी अल्प आयु हमारा हो जाए तो क्या करे? भारत भूमो होगा, ये गलती प्रिंटिंग मिस्टेक है, भारत भुजो लिखे जो भी है, भारत भूमो, भारत भूमि में जन्म हो तो अच्छा है। खने न बोले ये जो है भारत भूमि में अगर थोड़ी देर के लिए जन्म हुआ तो भी फायदा है क्योंकि ये भारत भूमि में हरि भजन हो सके, संभव है। बड़ा सुंदर कल्पायु सम स्थान जयात पुनर्भवात खनायु सम भारत भुजो वरह भारत भूमो वरह, यही होगा। खनेन मर्तेन कृतम मनस्विन संन्यास संज्ञान्ति अभयम पदम हरे। भारत भूमि में अल्प समय के लिए जन्म हो जाए तो हरि का चरण प्राप्ति हो जाता है निर्भीक होकर ठाकुर जी का, क्योंकि निर्भीक तो किसी भी हालत से हो नहीं पाओगे, एकांत तो भगवत चरण आश्रय करो तो निर्भीक हो जाओ, नहीं तो होगा। और इसका बात बताए कभी भी देखो किसी जगह हरि कीर्तन कथा कुछ नहीं है, हिंसा है वहां नहीं रहना, जहां हिंसा विद्वेष है, जहां हरि कथा कीर्तन है साधु का पर विद्वेष हो रहा है बिल्कुल नहीं रहना, निषेध किया इधर देखो, कुछ भी बोले पागल का माफिक आदमी, वहां मुश्किल है रहना। साधु संग कृष्ण नाम और साधु संग में कृष्ण नाम नहीं होता, निकालेगा जी, उसी का हाथ में खाओगे, उसी का दर्शन होगा, उसी का हिंसा देखोगे, उल्टा सीधा निंदा सुनोगे कान में, भजन तो गया। हाँ न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवत सदाश्रया न यत्र योग्येश मखा महासभा सुरेश लोकोपि न वैश सेवताम। क्या बोला? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भगवत सदाश्रया न यत्रो योग्येश मखा महासभा सुरेश लोको भी न वैससे भताम। देवता लोग भी हो, देवता लोग अतः सर्ग भी है, सुरेश लोक ओपी न वही निश्चितमेव न वैससे भताम, ये जगह का सेवा नहीं, ये जगह रहना नहीं है। कहाँ? नजत्र वैकुंठ कथा सुधा पका,
जहां विमल हरि कथा कीर्तन नहीं है, नजत्रो वैकुंठ शुद्ध कथा सुधापगा, न साधवो भगवता तदाश्रया, जहां विशुद्ध साधु का समागम नहीं है, जहां विशुद्ध साधु का समागम नहीं है। साधु तो साधु का बेस बना लिया तो साधु हुआ क्या? बोले इधर बता, न साधवो भगवता भगवता तदाश्रया, भगवान का चरण कमल को बिल्कुल आश्रय करके बैठा विमल साधुगण जहां नहीं है। नजत्रो वैकुंठ कथा सुधा भगा, न साधव भगवत हास तदाश्रय, नजत्र योग्येश मखा महोत्सव, जहां जग योग्य आदि आता हरिकीर्तन योग्य नहीं है। सुरेश लोक ओपी न वही सस्यभ्यताम, निश्चितमेव, निश्चित जान के रखना ये जगह को रहना नहीं है, भागो यहां से, मरोगे कुछ नहीं होगा। ऐसा करके बहुत सारे सबकी और भले किसी का अंदर में कामना वासना है, उत्कामना वासना तो बचन सत्यम दृश्यति अर्थितम अर्थित निनाम नैवार्थदो यत पुनरर्थिता यत हो स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम मिच्छा पिया मिच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। तुम्हारा जो इच्छा पैदा हुआ हृदय में, तुम्हारा हृदय में जो इच्छा पैदा हुआ, तुम्हारा ये इच्छा जो है इसको अगर पूर्ति किया जाए, वो पूर्ति तुम्हारा हृदय में जो अभी इच्छा हुआ वासना हुआ, अगर ये वासना को पूर्ति किया जाए तो आप दोबारा प्रार्थना नहीं करोगे ना, करोगे? एक दफे जो प्रार्थना आया उसका पूर्ति किया जाए उसका बाद और प्रार्थना नहीं करना हो सकता? नहीं हो सकता कि एक दफे जो प्रार्थना करे उसका पूर्ति हो जाए, उसके बाद दूसरा कामना वासना आ जाए, उसके बाद तीसरा चौथा, ऐसे चलते रहे। कामना वासना का कोई निवृत्ति नहीं है, कामना वासना चलते रहता है और जब तक कामना वासना रहे तब तक वो कभी कोई भी व्यक्ति उसका हृदय में शांति नहीं है, सुख नहीं है, कभी सुख नहीं है। जब तक कामना वासना आगे तब तक कोई सुख नहीं आएगा। इसलिए इधर बता, देखो ऐसा कुछ प्रार्थना करो, ऐसा कुछ आज आपका जीवन में प्रार्थना हुए जो प्रार्थना मिलने का बाद आज दूसरा प्रार्थना पैदा ना होए। ये प्रार्थना आपका जीवन में अगर पूर्ति हो जाए, ये प्रार्थना का बाद आज दूसरा कोई प्रार्थना हृदय में पैदा ना हो, ऐसा प्रार्थना करो। हैं स्वयं वो कौन सी चीज है? बोले ठाकुर जी का चरण। स्वयं विधत्ते, जो ठाकुर जी क्या करते हैं, ठाकुर जी के पास कुछ प्रार्थना करो, ठाकुर जी धीरे धीरे कृपा करेंगे, भजन करते रहो तो स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम मिच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। उसका अंदर में इच्छा नहीं है कि एकदम बिल्कुल निवृत्ति हो जाए, लेकिन फिर भी अगर ठाकुर जी का पास प्रार्थना करो, ये मेरा वासना है, ठाकुर जी वो तो पूर्ति करा दे, उसके बाद आपका हृदय में ऐसा अवस्था दिला देगा, ऐसा अवस्था करा दे जिसमें कोई कामना वासना का शेष नहीं रह जाएगा। ये एकमात्र तो ठाकुर जी है, कृष्ण भगवान छोड़ के नहीं है। राय रामानंदो का साथ श्रीमन महाप्रभु का जो चर्चा हुआ था, श्रीमन महाप्रभु का साथ राय रामानंद जी का जो चर्चा हुआ था उसमें ये बात क्लियर था, साफा बोला हुआ था। जो यही तो मूर्ख आमी विज्ञ एरे विषय क्या ने दिबो सचरण अमृत दिया विषय भुलाई, प्रभु कहे ये मूर्खो ये विषय मांग रहा है मेरे पास, ठीक है चलो मेरा पास मांग रहा है, दूसरे गणपति देवता का सो नहीं गया, शंकर भगवान पास नहीं गया, कम से कम तो हमारा पास आई है, तो इसका बुद्धि ठीक है, हमारा पास है कि खुद मालिक मैं हूं।
तो ये जब आया ही है मेरा पास कुछ प्रार्थना लेके, ठीक है चलो मैं ऐसा करे, ठाकुर जी राय रामानंद संवाद जो है उसमें है चैतन्य चरितामृत दर्शन में, ये मूर्खो आमी विज्ञ ए मूर्खो एरे विषय कहने दीब सचरण अमृत दिया विषय भुलाइब, ये तो बोका है मूर्ख है ये विषय मांग रहा है। राज दरबार में जाके बोले राजा जी मेरे को थोड़ा रख दे दो छाई भूसा, राजा बोले कहां से आए छागल ये राज दरबार में आना पड़ता या बाहर में कहीं मिले, ऐसा ही है साधु महात्मा का पास जाके भी ठाकुर जी का चरण में मेरा मति हो जाए प्रीति हो जाए भक्ति हो जाए, जो सबसे अनोखा संपत्ति, ये संपत्ति किसी का भावना में नहीं है, संपत्ति कौन सी चीज है, एकमात्र भक्ति, भगवान का चरणों में भक्ति संपत्ति और कुछ संपत्ति है नहीं। जैसे गोपियों ने बताए बताई थी ना, गोपियों ने गोपी गीता में बताई जो श्याम सुंदर होते अशुल्क दासिका सुरत नाथ होते अशुल्क दासिका, सुरत नाथ होते अशुल्क दासिका, कोई हम लोग पेमेंट नहीं लेता, तुम लोग तो पेमेंट लेते हो, ये भी सब पेमेंट लेता है, घुमा फिरा के पेमेंट ले लेता है गुरु वैष्णव से, ये किया इसका मतलब ये पेमेंट जब तक लेते रहोगे तब तक ये वणिक वृत्ति बिजनेस करते रहोगे, जब तक पेमेंट लेने का इच्छा रहे, गुरु वैष्णव परिक्रमा किया ठाकुर जी से ये लिया वो लिया, गुरु वैष्णव को थोड़ा ये देखो हमको जोर जबरदस्ती खाना देता है बेच के, हम क्या करें, हम भी ऐसा विचार बना के रखा हमारा भोजन भी हुआ नहीं भी हुआ, उसका हिम्मत भी नहीं हमारा विचार को समझे, दुनिया हमारा निंदा शुरू कर देगा, मना किसी का हाथ में खाता नहीं, बार बार बोल रहा महाराज बंद करो ये संभव नहीं है, सुनता नहीं तो उसको रुलाएंगे, तो ऐसा करे भजन भी हुआ नहीं भी हुआ, ये शास्त्रों का विचार, ये कैसा चीज है ये आप समझोगे नहीं, चाहे हमारा निंदा हो जाए तो हम क्या करें, अच्छा ही है लेकिन हमारा विचार हम रखा है। तो ऐसा करके जैसे कृष्ण भगवान जा अर्जुन को बताए कि देखो अश्वत्थामा को मारो मरना चाहिए, अब बोले देखो ब्रह्म बंधु नंतव्यो आतोताई बदारण मई वो उभयाम नातम परिपाही अनुशासन, भीम दादा जो बोले वो भी करो, कुंती बोल रहा है वो भी करो, सब एक साथ करो, अभी सब एक साथ कैसे हो, हमारा जो नियम है जो बताया वो भी करो, बड़ा चतुर होना चाहिए, जो जन कृष्ण भजे से है बड़ा चतुर, जो कृष्ण भजन करता है वो इतना चतुर होता है किसी को रुलाता भी नहीं है किसी को दुख भी देते नहीं, लेकिन अपना धर्म नष्ट हो जाए ये भी हर होने नहीं दे, बड़ा बैलेंस करके चलता है। हाँ तो इधर जो है इधर बताया कि चैतन्य चरितामृत में बताया ये मूर्ख है इसलिए मेरा पास मांगता है, मेरा पास मांगा जब कम से कम इसका बुद्धि ठीक, लेकिन मैं ये मूर्ख है मैं इसको कैसे विषय देके फिर वंचित करूं, ऐसा करके ठाकुर जी उसको क्या करते हैं, यही तो मूर्खो हमें विज्ञ रे विषय कहने दी वो सचरण अमृत दिया विषय, हाँ अपना चरण का अमृत दे देंगे, जब अमृत पीने लग जाए तो बोले महाराज कौन सी चीज, जब अमृत एक एक बूंद, सनातन गोसाई को महाप्रभु जी ने वाराणसी में बताया कि सनातन इलाहाबाद इलाहाबाद में सनातन को तो सनातन से का वाराणसी में दिए, ये जो बात हम कह रहे हैं ये इलाहाबाद में रूप गोस्वामी को शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु, उस समय सारे तत्व विज्ञान देने के बाद भक्ति का जो गुरु रहस्य प्रेम भक्ति का एकदम गोपनीय विषय देने के बाद महाप्रभु बताए ये रूप कृष्ण अनंत सुख सागर, कृष्ण अनंत रूप की सागर है, कृष्ण अनंत अमृत की सागर, कृष्ण अनंत अमृत के सागर है, मेरा जो आपका पास होता मैं जो तुम्हारा पास होता तो बोला ये तो ऐसा है कि ये अमृत सागर से
थोड़ा एक बूंद अमृत लेके तुम्हारा जवान तुम्हारा जीवा पे दिए, थोड़ा चख के देखो कैसा मेरा, मैं जो व्याख्या किया है तो थोड़ा उठा के अमृत सागर से चख के देखा कृष्ण ऐसा अनंत आनंद सागर रस सागर, जिसका जिंदगी में मिले वही उसी को पता चलेगा, बाकी कोई आदमी समझे नहीं। जिसी को मिला है वो सौभाग्य से वो इसी को मिलेगा, बाकी आदमी चिंता है वो ऐसा होगा विचार करते रहेगा, लेकिन उसका हिम्मत भी नहीं उसका बारे में सोचे। इसका बारे में दीप सारा पृथ्वी का जो दीप का जो विभाग है, नरक का विभाग तो पहले हम बोला था ऐसे ही, और समय टाइम जो है टाइम का पूरा विभाग, समय कैसे आया, ये सारे बरस कैसे आया, माह महीना कैसे आया, और सात समुद्र का विभाग कैसे हुआ, ये सारे जो चीज है धीरे धीरे ये सब विचित्र नरकों का जो गति एक एक बद्ध जीव का एक एक गति होता है, ये सब वर्णन करके बड़ा भारी चीज है, लंबा चौड़ा भौगोलिक अवस्थान, कौन पहाड़ पर्वत कहाँ है, लोकालोक पर्वत कहाँ है, ये पहाड़ कहाँ है, वो पहाड़ कहाँ है, ये सारे विभाग, और सात समुद्रों का विषय जो है उसका वो जगह कहाँ क्या होता है, कौन सा लोग रहता है, सारे विचार, नरकों का विभाग, समय का विभाग, काल का विभाग, सारे वर्णन है। उसके बाद अभी समय आया कि हमको उपाय भी नहीं है, षष्ठ स्कंध में प्रवेश किया आज, ठाकुर जी क्षमा करे, बहुत सारे व्याख्या करने का इच्छा होता है ठाकुर जी का कृपा से, लेकिन समय और परिवेश महल नहीं है, हमको आप जंगल में लेके बैठा दो, एक आदमी बैठेगा, एक आदमी, हमको कुछ दरकार नहीं नाम प्रतिष्ठा का, और बोलते रहे आंखें मूंद कर, लेकिन ऐसा सौभाग्य हो तो क्या करें, वृंदावन में गोवर्धन का तट में छोटे से मंदिर बैठ के ऐसा ही बोलता था, क्या करे। ये जो है षष्ठ स्कंध इसका प्रथम अध्याय, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, परीक्षित महाराज का प्रश्न है सुखदेव गोसाई पास, जो निवृत्ति मार्ग कथितो आदौ भगवता यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यत संस्कृति ही। राजा परीक्षित बोले आप तीसरा स्कंद में निवृत्ति मार्ग का बारे में कुछ बताया था, इसमें क्रम और चिरादि लोक प्राप्ति का विषय, ब्रह्मा का सहित मुक्त हो जाता ऐसा विषय आप बताए थे, निवृत्ति मार्ग कथितो आदौ दूसरा स्कंद में भगवता यथा क्रमोपो मैं क्रमोपो ना यहां लिखा है क्रमो योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यत संस्कृति है, और इसके बाद कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण विषय मुने जो असौ अलीन प्रकृतेर गुण सर्ग पुनः पुनः, प्रकृति का जो तीन गुण है आपको इस जगत में बंद के रखे हैं, प्रवृत्ति मार्ग में चल रहे, कभी कोबू स्वर्ग कोबू नरक ऐसा चल रहा है, स्वर्ग नरक से लेकर आपका चल रहा है, कभी दरिद्र कभी धनी, कोबू राजा कभी प्रजा, कोबू पशु कभी पाखी, ऐसा करके चल रहा है। ये जो है निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग दो विषय है, और ये जो त्रिगुण का विषय है प्रवृत्ति मार्ग ही तो है, त्रिगुण का विषय के प्रवृत्ति मार्ग है ना, त्रिगुण का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है, और प्रकृति जब तक विलीन ना हो जाए, प्रकृति जब तक विलीन ना हो जाए तब तक देह पुनः पुनः देहारंभक, और इसके बाद ये तृतीय स्कंद में बहुत सारी चीज आप बताए थे, ये सब
अधर्म लक्षण नाना विध नरक भी वर्णन आप किए हैं, पहले पंचम स्कंद में तीसरा स्कंद में ये सब वर्णन किए हैं। अभी जो है अभी सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में परीक्षित मारे सब बोले, बोले अब अभी ऐसा प्रश्न है मेरा हृदय में आ रहा है कि ये जो जितना सारे जीव है, जितना सारे आदमी, जितना सारे जीव मनुष्य जोनी भी है, बहुत सारे प्राप्त हुआ है, अदृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जनन ओपी आत्मन अहितम करोति भूयो विवसह प्रायश्चित्तो अथो कथम। दृष्टो श्रुताभ्याम आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, देहों के द्वारा पाप होते रहते हर वक्त। अदृष्टो श्रुताभ्याम यत् पापम जानन नोपि आत्मन अहितम करोति भूयो विवसह प्रायश्चित्तो अथो कथम। ये जीव जो है काय मन वाक्यो हर वक्त इन तीनों के द्वारा पाप आचरण करते रहते, जाने में अनजाने में, जाने में कोई पाप करे कोई अनजाने में करे तो पाप होते रहता है, पाप का कोई निवृत्ति मुश्किल, जाने में अनजाने में पाप होते रहता है। और आंखों के द्वारा दृष्टि हुआ उसमें तो पाप आएगा, कानों के द्वारा सुनो उसमें तो और पाप आएगा। तो इधर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए दृष्टो श्रुताभ्याम आंखों के द्वारा पाप, कानों के द्वारा पाप, शरीर के द्वारा वो जो पाप, ये जो लोग पाप आचरण कर रहे हैं इसको पता है, इन लोगों को पता है कि ये पाप है, लेकिन अपने को रोक नहीं सकता, वो जानता है एक पाप ये उचित नहीं फिर भी ये कर डाला। जानो नोपी आत्मन हितम, हमारा आत्मा का पतन हो जाए, आत्मा का पतन बन जाएगा फिर भी कर रहा है, जो जो उपाय नहीं, अपने को रोक नहीं सकता। जनोन्नोपि आत्मन अहितम, हमारा मंगलदायक नहीं है ये करना उचित नहीं है, ये समझने का बावजूद, समझने का बाद भी करो तो भूय विवश, विवश होके वो पाप आचरण कर लेता है, विवश इच्छा नहीं, वो जानता है पाप फिर भी ये वही कर देता, क्यों करता है ऐसा। परीक्षित महाराज प्रश्न किया ऐसा क्यों, जबकि उसको पता है कि पाप आचरण है ये नहीं करना चाहिए। करो तो हुई विवश, विवश माने विवश मतलब, विवश मतलब जैसे कोई जोर जबरदस्ती का, विवश माने हमारा करने का इच्छा नहीं, किसी ने करा दिया, विवश करने का इच्छा नहीं फिर भी करा दिया, विवश ओके पाप आचरण के। करो तो हुई विवश, तो प्रायश्चित्त कैसे होता है, शास्त्रों में जो प्रायश्चित्त, वेदों में शास्त्रों में जो प्रायश्चित्त का विधान दिया गया, तो महाराज प्रायश्चित्त कैसे हो पाए, जब आप बोल रहे पुनः पुनः पापी करे फिर प्रायश्चित्त करे फिर का फिर पाप करे, तो ये प्रायश्चित्त का क्या कीमत है। परीक्षित महाराज ये जो जोर जबरदस्ती पाप में, पाप करने में लग जाते हैं वो कौन कराता है, ये अर्जुन ने गीता में प्रश्न किया था, अर्जुन ने प्रश्न किया था गीता में ठाकुर जी को, अनिच्छन्नोपि वर्षेयो बलादीप नियोजित, इच्छा नहीं है, अनिच्छन्नोपि वर्षेयो बलादीप, हे ऋषि वंश प्रदीप हे कृष्ण इच्छा नहीं है, कौन जैसा जोर जबरदस्ती लगा देता पापों में, इच्छा नहीं है, वो जानता है साधु संत जो बोले ठीक बात फिर भी विवश होके दुर्बल है वो जाके फिर पाप का, बार बार मना किया सुनता ही नहीं पाप ही करेगा। अनिच्छन्नो विवार से वला दीपो नियोजित, जैसे कोई जोर जबरदस्ती लगा दिया, कौन लगा देता है, कौन है ये, इसका उत्तर ठाकुर जी ने बताया, उत्तर दिया तो तुम खुद उसका लिए कारण हो, कोई कारण नहीं, किसी ने बाहर का कोई आदमी नहीं है, काम एशो क्रोध एशो रजो गुणो समत भवः महासनो महापापना विद्धिनम एनम वैरिनम, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा अंदर में है, तुम्हारा शत्रु जो है तुम्हारा अंदर में है, काम एशो तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो क्रोध है, काम एशो क्रोध एशो रजो गुणो समत भवः
महाशन महापापना विद्दीन मेनम बैरिणम, ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुमको जोर जबरदस्ती पाप पाप करने में मजबूर कर देता है, ये तुमको पाप का आचरण करने में मजबूर कर देता है, तुम्हारा इच्छा नहीं फिर भी करो, जानता है ये नोड़ ये घटिया काम मठ में रहते हुए ये नहीं करना चाहिए फिर भी वही करेगा, क्योंकि गुरु वैष्णव का शरणागत नहीं है, यही करेगा। पॉलिटिक्स राजनीति इतना डर्टी अवस्था फैल गया, हर जगह राजनीति, हर जगह राजनीति छोड़ के किसी जगह नहीं है, राजनीति छोड़ के कुछ नहीं, मठ मंदिर में राजनीति शुरू है, पॉलिटिक्स, इसका ग्रुप उस ग्रुप में रहो तो ये मारेगा उस ग्रुप में, क्या है, इसीलिए का मठ मंदिर बना था, मठ मंदिर बना था, मठ बना था, हर जगह पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, हमको तो धिक्कार आता है देखने का बात, जो तो आप समझ में आया आपको, ये इच्छा नहीं है फिर भी कौन पाप पाप कर्म में लगा देता है, ऐसा उत्तर दिए, करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्त अथोक्तम, अतः प्रायश्चित्त कैसे हुए, तो फिर राजा उवाच, राजा बोल रहे हैं अभी भी बोल रहे हैं, ये कभी पाप से निवृत्ति हो गया, महाराज आन नहीं करेंगे, फिर कुछ दिन गया फिर उसी पाप को कर रहे, कुछ दिन बोला कुछ दिन ठीक है नहीं पाप नहीं किया, क्वचित निवर्तते अभद्रात क्वचित चरति तत्पुनः, ये अमंगलदायक जो विषय है पाप कभी किया और कभी किसी दिन के कुछ ही दिन के लिए बंद रखा, नहीं 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 पाप करना ठीक नहीं, कुछ दिन के लिए बंद रहा पाप नहीं किया, फिर उसके बाद फिर पाप किया, क्वचित निवर्तत्य अभद्रात, अमंगल से फिर छुटकारा थोड़ा दिन के लिए मिला, क्वचित निवर्तत्य अभद्रात क्वचित चरति तत्पुनः, पुनः वही जिसको कर रहा है, प्रायश्चित्तम अथो अपार्थम मन्ने कुंजर सोचवत, हे गुरुदेव हमको तो लगता है प्रायश्चित्त का कोई वैल्यू ही नहीं है, प्रायश्चित्त का विधान जब भी दिया ये पाप का लिए प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त क्या होगा, क्योंकि प्रायश्चित्त करने का बात तो उसका हृदय में तो विमल अवस्था नहीं है, तो एकदम जो निर्मल अवस्था पैदा नहीं हो सकता, तो क्या होगा, बादराव ने बोला देखो कर्म मार्ग ऐसा ही है, कर्म मार्ग जो है ऐसा ही है, कर्मणा कर्म निहारो ही, कर्मणा कर्मणा कर्म निहारो न ही अत्यंतिक ईश्वते, कर्मों के द्वारा कर्मों का क्षय नहीं हो सकता, तुम अगर बोलोगे कर्मों के द्वारा हम कर्मों का क्षय करेंगे करके दिखाओ, एक कर्म करोगे तो दूसरा कर्म आ जाएगा, दूसरा कर्म करोगे तीसरा कर्म, हम दिखा देंगे स्वयंकालीन उद्दीपन में विचार करेंगे, जैसे इंदु महाराज का क्या हुआ था, इंदु महाराज का क्या भयंकर अवस्था हुआ था कर्म मार्ग में, इस विषय में हम चर्चा करेंगे, तो कर्म ना कर्म निहारो न ही अत्यंतिक ईश्वते, कर्मों का द्वारा कर्मों का निवृत्ति नहीं हो सकता, अविद्वत अधिक वारित्वात प्रायश्चित्तम विमर्शनम, कर्मों के द्वारा कर्म करके ये कर्म किया फालतू कर्म, उसका कर्म का निवृत्ति करके लिए दूसरा कर्म करो, कर्मों के द्वारा कर्म का निवृत्ति करने का जो प्रयास प्रचेष्टा इसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्षणिक निवृत्ति थोड़े समय के लिए आपका मंगल हुए नहीं तो होगा नहीं, ऐसा करते करते बताया कि तपसा ब्रह्मचर्ये न समे न च दमे न च त्यागे न सत्य शौचाभ्याम जमे न नियमे न वा आर देहो बाग बुद्धियम धीरा धर्मज्ञा सद्धान्यता क्षिपन्ति अघम महद ओपी बेनु गुल्म मिवानलम, केचित केवला भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुनन्ति कृष्णेन निहार वीव भास्करः, उसके बाद बोला न तथा ही अगवान
राजन पुये तो तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। ये तपस्या के द्वारा ब्रह्मचर्य के द्वारा समो दमो अंतरिंद्रिय संयम बहिरिंद्रिय संयम त्याग के द्वारा तपस्या के द्वारा सत्व शौचाभ्याम जम नियम आसम प्राणायाम किया देहो भा इसके द्वारा शरीर देहो मन वाक्यो शरीर बाघ और बुद्धि देहो मन वाक्यो के द्वारा जो पाप होते रहते हैं इससे धीरा धर्मज्ञा श्रद्धान्विता क्षिपन्ति अगम महत ओपी बड़े बड़े पाप से भी वो लोग निकल जाते हैं। जैसे बांसों का बांस का झाड़ है ना, बांस का झाड़ में गर्मी का समय एक बांस का साथ दूसरे बांस घर्षण हो जाए बेनू आग जल जाता है, सारे उसको जला के रख कर देता, ऐसा है हो सकता है। लेकिन इतना जो पद्धति है सब इसमें सबसे तगड़ा पद्धति है जो ठाकुर जी का निजन है जो कृष्णार्पितो प्राण तत्पुरुष निषेवया, कृष्ण चरण में जो अपना हृदय को दे के रखा है, कृष्ण चरण में जो आत्मसमर्पण करके ठाकुर जी का सेवा में लगा हुआ इतना बड़ा पहुंचा हुआ जो साधु संत है, ऐसा साधु संत का सेवा करो इसमें समाधान जल्दी होता है। तुम ये पद्धति हमने बताया उपवास करो व्रत करो तपस्या करो ये करो वो के सब बताए, लेकिन ये सब पद्धति के द्वारा उतना तुम्हारा होगा नहीं जितना समाधान हो सकता ये कृष्णार्पितो प्राण तत्पुरुष ने सेवया। कृष्ण चरण में जो अपना धन प्राण धन मन जो जीवन जौवन जो दे के रखा है अर्पित करके ऐसा मापी कोई कोई महापुरुष मिले वैष्णव मिले साधु परमंश हो इनके सेवा के द्वारा जितना आपका फायदा होगा उतना कभी नहीं होगा। न तथा ही अगवान राजन पुए तो तप आदि भी तपस्या आदि के द्वारा अगवान पापी जीव उतना मंगल नहीं होता उसका जितना मंगल होता है। यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया, कृष्ण चरण में समर्पित आत्मा जो है भगवत सेवन में लगे हुए हैं ऐसा व्यक्ति का जितना ऐसा व्यक्ति का सेवा के द्वारा जैसा मंगल होता है परम मंगल ऐसा नहीं हो सकेगा। तो फिर क्या करे, प्रायश्चित्तार्णि चीर्णानि नारायणो परम मुखम न निष्पन्न निष्पनन्ति रजेन्दो सुरा कुंभमिवापगः। हे राजन प्रायश्चित्त के द्वारा परम पवित्र नहीं हो सकोगे, पवित्र हो सकोगे परम पवित्र हो सकोगे परम पवित्र हो सकोगे। एक व्यक्ति ने हरिद्वार में प्रश्न किया जे महाराज ये लोग जो है ये सेठ लोग दिल्ली में रहता है सारे पाप कर क्या कर्म करता है, खाद्य खबर में भेजाल है तेलों में भेजाल दो इसमें भी सब करता है और हरिद्वार में आके नाके और पाप को उधर छोड़ के फिर जाए, ऐसा बदमाश है दान पुण्य करे थोड़ा समय मिलते ही गाड़ी लेके चला जाए हरिद्वार में, जितना देखो विषय सब हरिद्वार में जितना पाप किया कर्म करता है जितना सारे सब करके वो हरिद्वार में जाकर नहाए। तो एक व्यक्ति ने पूछा महाराज इसका हरिद्वार में जो नहाए तो पाप जा रहा है, एक हमको पूछा महाराज हरिद्वार में नहा तो सारे पाप गया और हम पाप तो गया अपराध नहीं जाएगा पाप गया पाप करता है वो लोग तो फिर क्यों अब फिर जाके पाप करे, फिर घर में चला घर को चला गया फिर जाके फिर पाप को। हम बोला देखो पाप को तो इधर गंगा जी में छोड़ के गया लेकिन पाप का जो रूट है मूल पाप का जो जड़ है उसका अंदर में जड़ को तो उखाड़ा नहीं, पाप का जड़ जो है पाप जहां से उत्पत्ति होता है पाप का जो जड़ है हृदय में है वो पाप को फेंक के फिर जड़ से फिर उत्पन्न होता है। जैसे हमारा वृंदावन में होता है देखो ब्रजवासी लोग खेती किया खेती का बास आंखे का चास किया गन्ना जानते हो गन्ना आंख गन्ना का चास किया
गन्ना चास का बाद एक महीना धूप में रख दिया, पूरा गन्ना का जो खेत है सूखा पड़ गया। उसके बाद एक थोड़ा केरोसिन देके जिस दिन देखे हवा प्रबल है तो उस दिन जाके मच्छर लगा के आ जाए। उसके बाद क्या पूरा जलते रहा, पूरा जलते जलते आंखों का जो आंख का जो गन्ना का जो खेत है सब जल के एकदम राख हो गया। उसके बाद ट्रैक्टर लेके आए और फिर चास कर दे, काला हो जाए, काला आप देखोगे पूरा खेत काला भूसा, क्योंकि जल के खाक हो गए। उसके बाद वो गया ट्रैक्टर लेके उसको चास करे, अंदर से जो बीज है उसका जो है उखाड़ के फेंक दे, फिर नया चास करे। जब तक ऐसा आपका हृदय में जो विषय वासना कामना वासना सब है स्वाभाविक है, इसको एकदम बिल्कुल उठा के बाहर फेंकोगे नहीं जब तक, तब तक कोई शांति नहीं। अब जाओगे फिर अमंगल हो जाएगा मुश्किल। इससे देखा ये जो विषय लोग है सेठ लोग है दिल्ली में आके गंगा में नहाकर पुण्य अर्जन करके फिर गया, फिर उधर जाके फिर पाप किया, फिर आता है ऐसा। वो लोगों का प्राप्त से निवृत्ति होने का कोई रास्ता है नहीं, संभव नहीं। प्रायश्चित्वानि चिरणानि नारायणमुख नारायण परामुखम, प्रायश्चित्व का जो विधान है इसके द्वारा जो पाप से निकृति है, नारायण विमुख नारायण चरण का विमुख जो है इसको ज्यादा फल नहीं देता कि पवित्र नहीं कर सकता। क्यों? नॉन स्पुनंती राजेंद्रो सूरा कुंभ मीवा पगहा, जैसे सूरा जिस पात्र में दारू, जिस पात्रों में दारू रहता है वो दारू का पात्रों को कभी भी गंगा जल आदि रखने का कोशिश मत करो। दारू किसी ने दारू पिया लड़का, आप बोले दारू का शीशी तो है थोड़ा धो के हम ठाकुर जी का पूजन, नहीं बिल्कुल मर जाओगे, नहीं करना। लिखा हुआ है कि सुरा कुंभो कभी पवित्र नहीं होता, सुरा कुंभो बजे नॉन स्पंदंती राजेंद्रो सुरा कुंभो मिवा पगहा। सकित मन कृष्ण पदार विंदयोर निवेशितम तद्गुण रागी जयरी हो न ते यम पासो भृतश्च तद भटानु सपने ओपी पश्वंत ही चिर्ण निष्कृतम। सकित मन कृष्ण पदार विंदयोर निवेशितम, अगर जिंदगी में एक बार ऐसा हुआ साधु संग करते करते हमारा हृदय जो है कृष्ण चरणारविंद में अभिनिविष्ट होगा, जो श्लोक देके हम शुरू किया था उसका व्याख्या हम सायंकालीन करेंगे। कृष्णो तदियो पाद पंकजो पंजरान, हम किसी श्लोक को उठाया, ये कौन बोला? कुलशेखर राजा। कुलशेखर का क्या अवस्था हुआ था, इतना बड़ा भक्त है और वो किसने ठाकुर जी की ये प्रार्थना किया, इसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। या इतना जान लो कि सकृत एक बार अगर कृष्ण चरण में कृष्ण चरण कमल में हमारा मन निविष्ट हो गया अभिनिविष्ट हो गया तो कृष्ण चरण का जो महत गुणावली इसके द्वारा हमारा हृदय रंजित हो गए एक बार तो कहने ही क्या है। तो वो नौते यमम पास वृतश्च तद भट्टा तद भट्टानु सपने पश्वंती ही चिर निष्कृता, सपने में भी वो जमदूत को नहीं देखेंगे। इसलिए बोला सुबह में उठकर गुरु चरण वैष्णव चरण और गौरांग चरण का ध्यान करना, नाम करते करते नहीं करो तो मुश्किल चंचल हो जाओगे, अपराध दर्शन होगा फिर उसके बाद घर चले जाओ, लाभ कुछ नहीं। भजन आज्ञा का पालन करना, भजन तुम्हारा जो स्थिति है तुमको आदेश दिया तुमको अभी ये करना पड़ेगा, बाद में तुमको जो करना करेगा गुरु वैष्णव देख रहा है, पहले ही तुम बोलेगा हमें ऐसा करें वो सुनेगा नहीं ना। तो यही सबसे बड़ा प्रायश्चित्य है। सकित मन कृष्ण पदार विंदयोर निवेशितम तद गुण रागी जय रिहो नौते यमम पासो वृतश्च तद भटानु सपने ओपी पश्वंति ही चिर्ण निष्कृतम। ये पापों से निवृत्ति होने का सबसे अच्छा रास्ता ही है। गुरु वैष्णव चरण का सेवा करते करते उसके बाद भागवत चरण
भगवत चरण कमल बिंद, भगवत चरण कमल में, कमलों में हमारे हृदय लग जाए तो सबसे बड़ा निश्चित सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है। इसके बाद एक कहानी बता रहा है कि देखो अब हम एक कहानी आपको बताए, अत्रोच उदाहरण इतिहासम पुरातनम दूतानम विष्णु यमयो संवाद स्वाम निबोध में। हे राजन सुनो, बहुत दिन पहले एक कहानी हुआ था, एक वास्तव इतिहास हम सुना रहे हैं आपको। कौन सी इतिहास? बड़े जमदूत, जमदूत और विष्णु दूत आपस में बात हुआ था, जमदूत जमदूत और विष्णु दूत दोनों, जमदूत और विष्णु दूत आए, बात हुआ था। इस प्रसंग तुम्हारा पास हम खुले तो आप समझोगे। कान्न कुब्जे नामक जो एक कान्न कुब्जे दिजो कश्चित, कान्न कुब्जे दिजो कश्चित दासी पोती रजा मिला नामना नष्टो सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक पतिता का संग करके एक बड़ा ऊंचा कुल खानदान जो है उसमें जो अजामिल का जन्म हुआ था उसका हालत बहुत खराब हो गया था। कान्न कुब्जो ब्राह्मण, सबसे ऊंचा खानदान ब्राह्मण कुल में एक आविर्भाव हुआ था, लेकिन ये हुआ था क्या, ये इसका हालत बहुत खराब हो गया था। जिसका जितना सारे सदाचार है, जितना तारे सदाचार है सारे नष्ट हो गया। भ्रष्टाचार, नाम रखा है ब्राह्मण बड़ोमून, कोई आचार विचार नहीं, उच्छिष्ट को विचार करो कहाँ क्या रखना है, क्या करना है, आचमन करना है, कैसे स्नान करना है, पुराना कपड़ को धोना है, मिनिमम विचार नहीं है। क्या करोगे, दाहिना बाया हाथ में खाओ, इधर रखो, यही करो और क्या करोगे, कोई विचार ही नहीं। तो ये बोला कन्न कुब्ज में, कन्न कुब्जे दिजह कश्चित दासी पोती रजा मिला नामना नष्टो सदाचारो दास्यास संसर्गो दूषित। जैसा संग ऐसा मन, हमारा वृंदावन में कहना है जैसा अन्न ऐसा मन, जैसा खाओगे भोजन ऐसा मन बनेगा। इससे बड़ा शुद्ध भजन करो, हमको नहीं चाहिए कोई अच्छा बुरा है, हमको सिंपल एकदम चीज चाहिए, लेकिन क्या करे इधर फंस गया। करे तो नाम ना नष्ट भजी, इसका आचार सब निष्ठा सारे नष्ट हो गया, पहले तो बहुत सुंदर था। ये क्या किया, भले बड़ा सुंदर आचार वाले थे, इतना सुंदर आचार निष्ठा, ब्राह्मण थे, पूजन करते थे, पिता माता गुरुजनों का पूजा करते थे और सालग्राम का पूजन, जंगल से बागान से फूल फल लाके सालग्राम का पूजा करते, इसका बाद पानी पीते। इसका एक दफे क्या हुआ, जंगल में गया माने बागान में, वहां जाके देखा एक कुदिश्व, देखा कुदिश्व मतलब एकदम डार्टी एक चीज, एक बदमाश व्यक्ति एक वेश्या का साथ रमन कर रहा है। ये दृश्य साक्षात देखा, जब देखा ये दृश्य जो है, ये दृश्य देखने का साथ साथ उसका जो दिमाग है अपसेट हो गया। देखने के बाद उसका अंदर में भी कामना पैदा हो गया। इसे ब्रह्मचारी सन्यासियों को 8 किस्म का मैथुन है, 8 किस्म का, एक भी नहीं देखना है। खबर कागज बिल्कुल मठ में मत लाओ, नियम नहीं है, केशव गोस्वामी आरत नियम नहीं था। इसमें क्या कुछ देखोगे, जाए दिखना इच्छा है बाहर में न्यूज किसी ने पढ़े तो उसमें की विशेष है तो जान के आओ मठ चलाने के लिए, बिल्कुल नहीं, उचित नहीं, प्रभुपाद का बिल्कुल निषेध था। पारमार्थिक जो विषय है पारमार्थिक विषय में ही रमन करो, जड़ो विषय पारमार्थिक दोनों का मिलावट मत करो। चित जड़ो चित समन्वयवाद, चित जड़ो समन्वयवादी कभी भी सिद्धि लाभ नहीं कर सकता। चित जड़ो समन्वय किया, ये भी रहे महाराज, ये भी रहे वो भी रहे, क्या क्षति है, कोई होगा नहीं कुछ। चित जड़ो समन्वयवादी होगा नहीं, चिन्मय बनना है तो पक्का चिन्मय बनो,
और यहाँ जो है ऐसा अवस्था देखकर इसका अंदर में काम भाव पैदा हुआ, तीव्र काम। अब वो कहाँ जाए बेचारा, ब्राह्मण का लड़का इतना ऊंचा है, ले कुदृश्य देखा बस हो गया उसका, अपसेट हो गया दिमाग, इतना शुद्ध आचरण वाले था। जिसका जितना संस्कार है वही संस्कार तब यू कैन फाइट, लड़ाई कर सकोगे। समझान मेरा बात समझान, आपका कैरेक्टर जो है अच्छा अच्छा है, लेकिन कहां तक आप ये कैरेक्टर को बजाय रख सकोगे, मेरा बात समझा। हमारा कैरेक्टर अच्छा है कहां तक, उर्वशी तक रखोगे ना, मेनका तक। ये जगत का जो ब्रह्मचर्य है, जो चरित्र है, ये अप टू सम लिमिट, इसके बाद टूट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति घूस नहीं लेता, महाराज हम बिल्कुल घूस नहीं देते, तो उसको एक व्यक्ति ने लोभ दिखाया, महाराज हम आपको 50,000 रुपया दे देंगे, बस घूस हम नहीं लेते, घूस हम नहीं लेते। उसके बाद 50,000 हो गया 1,00,000, 1,00,000 के बाद 1,00,000 भी नहीं हुआ, बोले 2,00,000 दे देंगे, उसके बाद 5,00,000, 5,00,000 ऐसा तो उचित नहीं, तो कैसे करे। तो 5,00,000 तो आपका जो करेक्टर का लिमिट है, जो चरित्र का आपका एथिकल कैरेक्टर का जो लिमिट है अप टू 5,00,000, उसके बाद तोड़ जाए। इसका सुंदर उदाहरण चैतन्य चरितामृत से हम देते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी जब जेल खाने में थे, हम सब हर उदाहरण चैतन्य चरितामृत, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन है इसी विचार, भले वहां सनातन गोस्वामी को राजा जी ने क्या की, जेल खाने में धर दिया। अब जेल खाने से निकाले कैसे, राजा तो गया युद्ध करने के लिए, और रूप गोसाई तो पहले वृंदावन भागा, और सनातन गोसाई को जेल में कर दिया। और सनातन जो मुसलमान है, मुसलमान भैया बोले बेट देखो, मुस्लिम भैया को बोले आपको कितना हम उपकार किया, बोलो अल्लाह का कसम किया नहीं, बोला हाँ आपने बड़ा उपकार किया मेरा, हम तो, क्योंकि सनातन गोसाई प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री, और रूप गोसाई थे अर्थमंत्री, फिनेंशियल मिनिस्टर, दोनों कितना उपकार किया, बोला हाँ किया, तो इतना उपकार जो किया हमको भी उपकार करना चाहिए, बोलो कौन सी उपकार करे, बोला हमको जेल से छोड़ दो। अरे महाराज राजा आएगा तो काट डालेगा हमको, राजा आए तो काटेगा हमको, राजा आए तो काटेगा, हम कैसे छोड़े। बोले महाराज राजा कुछ नहीं बोले, हम ऐसा व्यवस्था करे आपको कुछ नहीं बोले, फिर भी मान नहीं रहा है, ना 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 छोड़ना मुश्किल है, संभव नहीं। ऐसा किया, उसका सामने 2,000 सोने का जो क्वाइन है वो इकट्ठा कर दिया, 2,000 सोने का मुद्रा है, ये थोड़ा ले, ये भी स्वीकार करो हमारा, ये सब चीज भी ये भी ले लो, आपका पुण्य भी हो जाएगा हमको छोड़ दो, हमारा आपका पुण्य भी हो जाएगा हमको छोड़ दो, हम मक्का चला जाएगा, हम इधर नहीं रहेगा, मक्का चला जाए, आपका कुछ नहीं होगा, राजा पकड़ नहीं पाएगा, राजा कैसे पकड़, हम तो मक्का चला जाए, कुछ चिंता नहीं। ना ना ये संभव नहीं है, 2,000 में कुछ हुआ नहीं, उसके बाद 3,000, 4,000, 5,000, जब ऐसा करते करते सोने का रुपया जो टक्का है बढ़ते चला, तो बोला देखो छोड़ तो सकता है लेकिन एक मुश्किल है राजा आके, तो बोलना ऐसा व्यवस्था करो, बोलोगे सुबह में जेल खाने से हमको उसको लेके निकाला, शौच कर्म के लिए निकाला है, और हाथ छुड़ा कर जल्दी से जाकर नदी में गंगा पानी में कूद पड़ा, कहां मर गया हमको पता नहीं, इतना बड़ा ताला है, इतना बड़ा ताला है, ताला तो है पर इतना बड़ा, बोला कहां गया पता नहीं, मर गया होगा सर, ऐसा बोल देना पैसा भी मिल जाएगा। तो बोला हाँ हम छोड़ देंगे आपको। तो हमारा जो एथिकल कैरेक्टर का लिमिट है, नेता लोग हो या ऑनेस्ट लोग हो समाज का, ये समाज का ऑनेस्ट लोगों का ये जो एथिकल कैरेक्टर, ये सब लिमिट तक रहता है। लेकिन ये वैष्णवों का ऐसा नहीं, एक वैष्णव को कामिनी कांचन विदेश जाना टाका पैसा कुछ भी दे दो, उसका एथिकल कैरेक्टर आपका हिम्मत भी नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है उसका एथिकल कैरेक्टर को, क्योंकि उसका एथिकल कैरेक्टर जो है आपका मापिक नहीं है, उसका मन तो ठाकुर जी का चरण में नमन कर रहा है, सारे वैभव उसका ठाकुर जी का चरण है,
सारे जो संपत्ति है सुंदर जो है ठाकुर जी का चरण दर्शन किए, इससे उसका गुरु वैष्णव का लिए गुरु वैष्णव को अगर करने जाओ तो संभव नहीं। तो ये अजामिल जो है अच्छा लड़का, इतना अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, कोई दोष नहीं है, लेकिन बेचारा करे क्या, उसका पूर्व जन्म का जो संस्कार था ये संस्कार का मुताबिक उसका जो एथिकल करेक्टर का लिमिट जितना तक था वो कोशिश के महाराज ये देखना उचित नहीं, ये करना उचित नहीं, लेकिन विवेक का सामने वो हर गया। हर आदमी का अंदर में विवेक रहता है, विवेक का सब लड़ाई होता है, जिसका विवेक जितना ऊंचा तक गया वो उतना ही ऊंचा आदमी है, जिसका विवेक जितना ऊंचा तक रियलाइजेशन, विवेक अगर मर गया तो मठ में रहे कहीं भी रहे ओसुर है, ओसुर विवेक तो ओसुर लोगों का विवेक नहीं रहता, राक्षस लोगों का विवेक नहीं, बस यही है विवेक एकदम मर गया, कुछ नहीं है विवेक, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं, ये विवेक ही नहीं है। ये विवेक जो है अजामिल, अजामिल का जो विवेक है इसका कोई दोष नहीं, इसका जितना तक लिमिट था उतना तक लड़ाई किया, महाराज ये उचित नहीं है, लेकिन बाद में हार गए, उसका एथिकल करेक्टर का लिमिट, जैसे बैरेज है ना, पानी का बैरेज, पानी का पावर ज्यादा हो तो बैरेज छूट जाता, टूट के वो ये बेस्वा का स्वाद संग करना शुरू कर दिया। इतना अच्छा खानदान का है, पिता माता को छोड़ दिया, अपना बीवी है, अच्छा घराने वाला सब छोड़ के बेस्वा का साथ रवान करना शुरू कर दिया। अभी जो है 90 साल का उम्र हो गया, ऐसा है जो है अभी कितना बाल बच्चा पैदा कर दिया बहुत, आ छोटे बच्चा का नाम नारायण रख दिया। उसका पीछे भी कारण है, एक संत का झंडू आया था झंडू, और किसी बदमाश ने इच्छा करके विदेश करके बोला इसको अगर अजामिल का घर का बागान में, क्योंकि वो लोग ढूंढ रहा था, रात हो गया, किसी सूरज ढल गया तो एक जगह में रुके, सुबह में चल जाएंगे, तो बदमाशी करके बोल दिया कि अच्छा वो दिखा दिया उसका घर में जाओ। तो उस समय में अजामिल नहीं था, अजामिल नहीं, अजामिल का पत्नी पत्नी जो पत्नी थी, और उसके बाद ऐसा करते करते वो जो साधु संत जो दूसरे दिन जा रहा था तो बताया कि देखो मैया तुम्हारा जो संतान होने वाली है, होने वाला है, उसका अगर बेटा हुए तो नारायण रख देना, क्योंकि साधु जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली साधु ऐसा है, साधु उसी को बोले जो चालाकी करके इसका मंगल का किसी भी तरीका से उसका व्यवस्था कर दे, क्योंकि इसका मंगल तो होगा नहीं, तो इसका लड़का का नाम अगर नारायण रख दे वो नारायण पुकारते रहेगा, नारायण नारायण निदारा नारायण, इससे इसका मंगल हो जाएगा। तो साधु संदर कितना चतुर है, किसी भी हालत में मंगल नहीं चाहता है तो घुमा फिरा के उसको ऐसा मंगल का व्यवस्था कर दे, अंतिम में इसका मंगल आज नहीं तो काल, काल नहीं तो पुरसु, नहीं तो दूसरा जन्म में इसका मंगल हो जाए। तो अजामिल ने इसका नाम नारायण रख दिया था, और नारायण और छोटे लड़का का ऊपर इसका इतना आकर्षण था कि उठते बैठते चलते खाते हर वक्त नारायण इधर आ जा बेटा, नारायण इधर सो जा इधर खा ले, ऐसा करते करते नारायण नारायण बोलते रहा। और नारायण जो नाम जो है, ये नारायण नाम जो है, ये जो नारायण ठाकुर जी का नाम है, ये नारायण नाम जान के या अनजाने में किया, जैसे विष खा लिया आप जानता नहीं तो विष क्या किया नहीं करेगा, आपने अनजाने में विष खा लिया तो विष खा लिया तो विष तो विष का काम करेगा, ऐसे ठाकुर जी का नाम जाने में अनजाने में कैसे भी लो उसका रिएक्शन होगा ही होगा। इसी शास्त्र में ये इधर बताया सांकेतम परिहसम परिहसम स्तोभम हेलणमे बवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अग हरणम विदु, अशेष पाप को नाश करने वाला है ठाकुर जी का नाम। परिहास करते हुए लो, गाली देते हुए लो, किसी भी हाल ले लो, संकेत करके जैसे वृंदावन में चलता है, ए कहां जा रहे, कहां जाए, कहां जा रहे तू, नंदो गांव को जा रहे, तो ऐसे भजन नंदो गांव बोला, नंदो गांव तो बाजार कर, तुम इधर बोलोगे क्या बोलोगे, इधर बोलोगे कहां बोलोगे, तुम
इधर जो नाम बोलोगे वो तो जड़ नाम है, हैं? विवेकानंद पल्ली जाए कि किसी पल्ली हो तो गांव का नाम, ये तो मटेरियल है। लेकिन वृंदावन में बात भी बोलो कहां जा रहा है, कहां गोवर्धन को जा रहा है, गोवर्धन हो गया नाम, गोवर्धन ही जो बोला तो ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, गोवर्धन जा रहा है, गोवर्धन जा रहा है, हाँ गोवर्धन जा रहा है, हो गया। तो जाने में अनजाने में आपका भजन हो ही रहा है, होगा, कैसा सुंदर है। ऐसे ठाकुर जी का नाम भजन करते हुए बताओ कि किसी भी हालत से हो जाए तो इसका मंगल ही मंगल। इसमें हम ये विचार को उठाएंगे सायंकालीन, क्योंकि बहुत आदमी सुने नाम अपराध नामाभास इत्यादि सब एक साथ चर्चा हो जाएगा। ये जो नारायण 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 सब बुलाते बुलाते लड़का का नाम बुलाया, करते करते इसका हृदय थोड़ा निर्मल हो गया था। और एक दफे क्या हुआ, देखे कि जमदूत जो है, जमदूत आके उसको, तीन जमदूत आके उसको खींच रहा है ऐसा करके। उस समय में वो डर के मारे एकदम बाप रे नारायण बोल के छोटा लड़का को चिल्लाया। जमदूत को देखे हैं बहुत सारे आप लोग, हम तो हमारा एक्सपीरियंस है, एक वृद्ध है, वृद्ध मरने का टाइम में उसका टट्टी पेशाब हो गया था, देखे एक बूढ़ा, और जमदूत को देखे भाई डर के मारे एकदम ऐसा हो गया। और हरिदास ठाकुर का साथ चैतन्य महाप्रभु का जो चर्चा है नामाभास का बारे में, नाम के बारे में, ये हम चर्चा करेंगे सायंकालीन अधिवेशन में। हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, कैसे कैसे है ये सब। इधर जो है जमदूत आ गए इसको पकड़ के ले जाने के लिए, उठा के ले जाने के लिए, फिर वो एकदम डर के मारे चिल्लाया। अजामिल जो है विस्तारा में पड़ा हुआ है, और सौ पासो हस्त्यांग स्त्रीनो दृष्ट्वा पुरुषान अति दारुणाणो बक्रो तुंडान ऊर्ध्वरोमणो आत्मनम नेतुम आगतम। रोम खड़ा खड़ा है, काला एकदम विभत्स, हाथ में रस्सी लेके लठी लेके दृष्टा अति दारुण पुरुष, तीन इसका मुख जो है विभत्स मुख है, बकर बांका हुआ ऐसा मुख है, करके आए हैं अपने को उसको लेके लेने के लिए। वो देख के दूरे किरण का सक्तम पुत्रम नारायण आवयम प्लावितेन सरेन उच्चैर आजु हावा कुलेंद्रिया। जोर जबरस्ती दूर थोड़ा दूरी पर खेल रहा था बच्चा, नारायण इत्यादि चिल्ला कर नारायण बोल के जोर चिल्लाया। चिल्लाने के साथ साथ क्या हुआ, निशम म्रियमानसो मुखतो हरिकीर्तनम भरतुर नामो महाराजो पार्षदहा सहसा पतन। अपना भर्तु अपना स्वामी का नाम लेते हुए देखा, निशम्य म्रिय मानस्य मुखतो हरि कीर्तनम भर्तुर नामो महाराजो पार्षदहा सहसा आपतन। सहसा वो पार्षद जो है वो आ गया, कौन, विष्णु, विष्णु विष्णुदूत, विष्णुदूत आके उसको छुड़ाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमदूत का काम क्या है, बोले जमदूत इसको उठा के ले जाने के खींच रहा है उसको। एक महाराज है उसका नाम है ऋषिकेश महाराज कलकत्ता में परमे माधव गोस्वामी महाराज का आश्रित है, बड़ा प्यार करते थे हम, उसका नाम पे परिक्रमा भी करते थे। वो जानते नहीं, दुर्बल है, अस्वस्थ है, कलकत्ता में इंचार्ज, हम उसका नाम पे परिक्रमा भी कर देते थे, मेरा नियम था ऐसा, जो दुर्बल आदमी उसका। एक दफे महाराज बोल रहे हैं कि हम घर में सोया हुआ है, देखा कोई आदमी आया काला जैसा, उसका साथ एक बच्चा भी है काला चोक लाल, बोला हम देखा हमको खींच रहा है अंदर से, महाराज बोला हमको खींच रहा है। उसके बाद जब हम गुरुजी का स्मृति आया तुरंत एकदम भागा, बोला महाराज बोला हमको खींच रहा था, हमको क्या कारण है, गुरुजी का स्थिति आया तो तुरंत भाग गया ऐसा, जो भी है।
और ये जो है इधर इसको जो विकर्ष आकर्षण कर रहे हैं, विकर्षतो अंतर हृदयात दासी पति रजा मेलम यमो प्रेशानो जमो विष्णुदूत्या विष्णुदूता बरया मासो रोजोसा। क्या बोला, मतलब जब भी ये उठा के ले जाने के लिए उसका आत्मा को आकर्षण कर रहे थे, इसमें विकर्षतो अंतर हृदयात दासी पुत्री रजा मेलम है यमो प्रेशान जमदूत का द्वारा प्रेरित हो जमो प्रेशानो विष्णु विष्णु दूता बराया मासो बराया मासु रोजोसा। जोर जबरस्ती विष्णुदूत उसको निषेध किया, ये क्या कर रहे। जब जमदूत जमदूत जमराज ने भेजा जमो प्रेशानो, जमदूत जिन लोगों को भेजा वो जमदूत जमराज जिसको भेज जिन लोगों को भेजा तीन वो जमो प्रेशानो जो इसको निवारण किया विष्णुदूत, ऐसा मत करो क्यों पकड़ रहे हो। विष्णुदूता बराया मासु रोजोसा जोर जबरस्ती छोड़ा दिया, इसको छोड़ो बंदो मत। बोले महाराज क्यों नहीं बांधे, ये पापी है, अजामिल जैसा पापी कोई नहीं है, इसको ले जाने के लिए तो आदेश हुआ ले जा रहा क्यों। तो जमदूत ने बोल जमदूतों ने जमदूत बोला क्यों बाधा डाल दे हो, ये तो पापी है। बोले नहीं तुम जानते नहीं हो, धर्म अधर्म का कोई विचार तुम्हारा हृदय में नहीं है। इन्होंने शरीर छोड़ने का टाइम पे नारायण नाम आह्वान किया तो इसमें उसका अनंत करोड़ों जन्मों का पाप नाश हो जाता है, तो इसको पुण्य है। कसो वा कूतो आयता कस्मात असो निषेधत, कहां से आयो आप लोग, किससे निषेध करे, किंग देवा उपदेवा वा जुयम किंग सिद्ध सत्तमा, आप लोग क्या सिद्ध महात्मा सिद्ध कोई है क्या, गंधर्व है उपदेवता है, कहां से आयो हो आप लोग हैं, कैसे आयो हो, या बाधा क्यों, कस्माद अश्व निषेधत निषेधत क्यों निषेध कर रहे हो। सर्वे पद्दो पला साक्षा पीत कौशेय वाससह किरीटो कुंडली कुंडलीनो लसत पुष्कर मारे न। सब जो है पद्दो पला सा पद्दो का माफी आंखें हैं, सुंदर चतुर्भुज है, पीतवासम किरीटी माथे में मुकुट है, कुंडल है, अरे सुंदर दर्शन जैसे नारायण एक ही। सर्वे चार आया था ना नारायण, चार अक्षर चार दूत आए, और सर्वे पद्म पला साक्षा पद्म का पापरी का मापी आंखे हैं, पीत कोशे वास पीताम्बर धारी किरीट मुकुट है, कुंडल है, लसत पुष्कर मालिना पद्म माला पहने हुए हैं। सर्वे च नूतन वयस, नूतन वयस 16 साल के ऊपर लगता है ऐसा। सर्वे नूतन वयस सर्वे चारु चतुर्भुजा, ऐसा अवस्था में कि धनुर निषोदंग्यासी गदा शंख चक्राम भुज श्रिय शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धनुर दिया हुआ है जो भी है, चारों हाथ में पकड़ा हुआ और चारों ओर में चारों ओर जैसा लगता है कि रोशनी से भर गया, इतना लाइट उसका शरीर में इतना तेज है जैसे लगा दिशो बीति मीरा लोकहा कुर्वंत सेनो तेजसा किमर्थम धर्म पालस्य किंकरानो नो निषेधत। आपका शरीर से विद्युत जैसा रोशनी इतना आलो लाइट तेज आ रहा है, किस लिए यहां किम अर्थम धर्म पालस्य किंकरानो नो, हम लोग जो धर्म न धर्मराज धर्मराज का किंकर है, हम लोग कोई साधारण नहीं, धर्मराज भेजा है तो आप लोग बाधा क्यों डाल रहे हो। इस समय विष्णुदूत के साथ जो जमदूत का जो चर्चा है इस विषय हम चर्चा करेंगे बैठ के, जो विष्णुदूतों ने क्या बताया जमदूतों ने क्या बोला, उसका बाद अजामिल का क्या हालत हुआ था, वो कैसे कैसे भजन करके ठाकुर जी के पास गया, ये सब विषय हम चर्चा करेंगे।
स्वयंकालीन कृष्ण तदीय पाद पंकजो पंजरांते अद्वैव मन मे विशतु मनसराज हंस प्राण प्रयाण समय कौपवात पृथ्वी कंठावरोधनम विधो भजनम कुतोस्ते वांछा कल्पतरुष के पास सिंधु पतितानं पावन भवैष्णवभ्यो नमः।